कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। 1860 से जो कानून था इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लगभग आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्यरात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको IPC कहते थे, 1860 से जो कानून था इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको CRPC कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन FIR की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के
अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आज़ादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का।